नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों खेल दर्पण। खेल दर्पण मतलब खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम ओलंपिक खेल आयोजन हुआ दोस्तों तो 746 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों पहला ओलंपिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक जो ओलंपिक खेल प्रतियोगिता है वो कब आरंभ हुई तो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी दोस्तों। जो आधुनिक जो लेटेस्ट जो करंट के अंदर जो ओलंपिक चल रहे हैं वो प्रतियोगिता 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है कितने वर्षों के बाद होता है तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक जो ओलंपिक खेल है के जनक कौन है तो पीरे डी कुबर्टिन है दोस्तों, जो कि फ्रांस के निवासी है दोस्तों, जो कि आधुनिक खेलों के जनक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक ध्वज का जो डिज़ाइन है उसका श्रेय किसे दिया जाता है तो पीरे डी कुबर्टिन को दिया जाता है दोस्तों, जो ओलंपिक खेलों का जो ध्वज है उसका डिज़ाइन का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब प्राप्त मिली तो 1913 ईस्वी को मिली है दोस्तों। ओलंपिक खेलों के जो ध्वज है मतलब जो फ्लैग है उसे मान्यता मिली थी दोस्तों 1913 ईस्वी के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया तो 1920 ईस्वी को फहराया गया दोस्तों पहली बार ओलंपिक ध्वज। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक जो प्रतियोगिता में जो ध्वज होता है 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाता है तो 5 महाद्वीप है हमारे देश के अंदर दोस्तों, उनको दर्शाता दोस्तों 5 रंगीन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीला नीला व हरा चक्र दर्शाता है तो एशिया, पीला दर्शाता है दोस्तों एशिया को, नीला दर्शाता है यूरोप को और हरा दर्शाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काला व लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है तो अफ्रीका और अमेरिका को दर्शाता है दोस्तों काला और लाल। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।